और इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद से हार पर TV9 से बोली रीता बहुगुणा जोशी। इलाहाबाद सीट को लेकर भ्रम फैलाया गया, केंद्रीय संगठन के मन में भ्रम डाला गया। प्रयागराज सीट को लेकर, सीट पर मेरे परिवार का 80 साल का इतिहास है, नीरज त्रिपाठी को कम समय मिला इसलिए इस सीट पर बीजेपी हारी, ये कहा है रीता बहुगुणा जोशी ने। रीता जी, ये क्या हो गया इलाहाबाद में? जिस सीट को आपने 2 लाख लगभग वोटों से जीता था, वो पार्टी 60,000 से हार जाती है, ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? नहीं, काम भी बहुत किया मैंने और पार्टी के जितने प्रोग्राम थे, प्राइम मिनिस्टर की जो अचीवमेंट्स थे, उनको मैंने ज़मीन पे घर घर तक पहुंचाया भी था। मुझे लगता है कि कुछ प्रदेश की ओर से सही फीडिंग दिल्ली में नहीं की गई और मेरे सीट के बारे में कुछ भ्रांतियाँ पैदा की गई। देखिए, कहा गया कि उम्रदराज लोगों को नहीं देंगे, तो 50 लोग टिकट मांगने लगे, तो अब सबके कोई ना कोई नेता के पीछे लगे थे, तो मुझे लगता है कि कुछ भ्रम की वजह से मेरा टिकट कटा। लेकिन आप जानते हैं 80 साल का हमारा इतिहास परिवार का वहाँ पर है और उसी सीट से मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब MP लड़ चुके हैं, रह चुके हैं, मैं मेयर रह चुकी हूँ, तो थोड़ा अफसोस तो हुआ, परंतु जिनको टिकट मिला वो बुरे नहीं थे। केसरीनाथ त्रिपाठी जी का प्रयागराज में नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा इतिहास था।